क्या यश जल्द दिखाई दे सकते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में? क्या केजीएफ चैप्टर 1 की तरह ही केजीएफ चैप्टर 2 में भी दमदार डायलॉग देखने को मिलेगा? कौन सी हीरोइन संग करना चाहते हैं काम यश? नमस्कार, बॉडीगार्ड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 की मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। क्या चाहिए रे तेरे को दुनिया, पर भाई अपने को तो केजीएफ चैप्टर 2 मांगता है। दर्शकों में प्रशांत नील की आने वाली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के लिए काफी एक्साइटमेंट है, और हो भी क्यों ना। 2018 में आई केजीएफ चैप्टर 1 के बाद ऐसी दमदार फिल्म के सीक्वल के लिए तो कोई भी पागल हो सकता है। आने वाले इस सीक्वल में भी हमें काफी जबरदस्त डायलॉग सुनने को मिल सकते हैं। तमिल की फिल्म में स्टोरी के साथ साथ एक्शन और डायलॉग का सही मेल जोल देखने को मिलता है। उनके खतरनाक एक्शन की तरह ही उनके दमदार डायलॉग भी होते हैं फिल्म में। केजीएफ चैप्टर 1 का ही फिल्म का डायलॉग सुन लीजिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। इफ यू थिंक आई एम बैड, आई एम योर डैड। वही इंडस्ट्री में जहाँ काफी समय से अदला बदली देखने को मिल रही है, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री की आप बॉलीवुड की ओर हो या बॉलीवुड का साउथ की ओर। जी हाँ, इस साल यानी साउथ के सुपरस्टार, चाहे वो रश्मिका मंदाना हो, विजय देवराकोंडा हो या नागार्जुना, अब आलिया भट्ट, अजय देवगन और संजय दत्त जैसे कलाकार भी साउथ का रुख ले रहे हैं। संजय दत्त केजीएफ चैप्टर 2 से ही अधीरा के किरदार से साउथ इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये साउथ और बॉलीवुड की अदला बदली में बाजी कौन मारता है। ऐसे में जहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो चांसेस है कि केजीएफ चैप्टर 1 से फेम पाने वाले यश यानी रॉकी भाई जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करते नजर आ सकते हैं। वैसे आपको बता दे, बॉलीवुड में डायरेक्शन के नाम पर यश का राजू हिरानी का काम काफी पसंद आता है, और बैंगलोर की एक खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण संग वो काम करना पसंद करेंगे। तो देखना है क्या जल्द यश का ये सपना पूरा हो पाएगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप यश को बॉलीवुड में देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।